नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। साधु की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या। हरिद्वार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां साधु की दर्दनाक हत्या से हड़कंप मच गया है। यह मामला भूपतवाला में सामने आया है। सप्त सरोवर मार्ग पर त्रिदंडी सेवाश्रम के पास एक साधु का शव मिला है। शव को पत्थरों से बुरी तरीके से कुचला गया है। मामला घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार यानी आज सुबह स्थानीय लोगों ने फक्कर साधु का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची हरिद्वार पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और जांच में लग गई। फिलहाल साधु की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना से आसपास के क्षेत्र में खौफ का माहौल बन गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। हरिद्वार में 2,946 अभ्यर्थी फिर से देंगे परीक्षा। पिछले साल 16 फरवरी को तकरीबन 1,00,000 अभ्यर्थियों ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा नकल के चलते विवादों में फंस गई थी, जिसके बाद पुलिस की जांच में 57 में से 47 अभ्यर्थियों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन 10 और अभ्यर्थियों की जांच न होने के कारण उन सभी एग्जाम सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी, जहाँ पर इन 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा दी गई थी। उत्तराखंड एसटीएफ का सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। उत्तराखंड एसटीएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि कितना संवेदनशील मामला है, जानिए उनसे खास बातचीत में। उत्तराखंड लिखने जा रहा नई इबारत, एक दिन की सीएम बनेंगी दौलतपुर की सृष्टि। सृष्टि के पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि सृष्टि की मां सुधा गोस्वामी एक गृहिणी है। एक दिन के सीएम सृष्टि गोस्वामी को 2018 में बाल विधानसभा संगठन में बाल विधायक भी चुना गया था। घर में घुसकर महिला और परिजनों से मारपीट, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर महिला के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट करने और जान से मारने के प्रयास में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला की तहरीर पर आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बीती 3 नवंबर का है। देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा के लिए फिर होंगे टेंडर, जल्द सेवा होगी शुरू। देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच हेरिटेज एविएशन की नियमित सेवा न दिए जाने की वजह से केंद्र सरकार ने हेरिटेज एविएशन के टेंडर को निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी। हवाई उड़ानों पर मौसम की मार, स्पाइस जेट की फ्लाइट अनिश्चित काल के लिए निरस्त। मौसम की खराबी का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते फ्लाइट देरी से पहुंच रही हैं। सुबह आने वाली इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से जौलीग्रांट पहुंच रही है। वहीं 12 जनवरी से शुरू हुई स्पाइस जेट की फ्लाइट को अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। रामनगर महाविद्यालय में जल्द शुरू होंगे 2 नए कोर्स, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया भरोसा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वे प्रत्येक डिग्री कॉलेज में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति सब जगह दे रहे हैं, ताकि बच्चे रोजगार परक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सके और उनको रोजगार मिल सके। उत्तराखंड के सबसे बड़े फ्लाईओवर पर आवाजाही शुरू, जाम से लोगों को मिलेगी निजात। धर्मनगरी हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर सफर करना अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर पर आवाजाही शुरू हो गई है। यह फ्लाईओवर हरिपुर कला के गेट से शुरू होकर वन विभाग के 3 मोरी पुलिया तक 2 किलोमीटर तक बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर लगने वाले जाम से भी सामना नहीं होगा। यह प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। कीर्तिनगर में एक नेपाली मूल की महिला ने राजस्व पुलिस को सूचना दी थी कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके बाद राजस्व पुलिस ने टीम ने उक्त ठेकेदार को हिरासत में ले लिया और महिला को मेडिकल के लिए बेस अस्पताल ले गई, लेकिन महिला सोमवार को अस्पताल से गायब हो गई। -12 डिग्री के बीच चीन सीमा पर मुस्तैद भारतीय जवान हर चुनौती के लिए तैयार। चीन सीमा से लगे मिलम, दारमा और व्यास घाटी में भारी बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड के बीच भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। भारत चीन युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब शीतकाल के दौरान भी चीनी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अलका जौहरी हत्याकांड का खुलासा, पूर्व किराएदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलका जौहरी हत्याकांड का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से लाखों रुपए के जेवरात, मृतका का पैन कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने नहीं दी ट्रैक्टर रैली की इजाजत, किसान नेता बोले दिल्ली में ही करेंगे परेड। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। यह बैठक बेनतीजा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने किसानों को रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 3 दिन से लापता थी महिला, झाड़ियों में मिला शव। सियालदी ब्लॉक के बरंगल गाँव के किम्बगढ़
तोक में तेंदुए ने 50 साल की महिला को मार डाला। महिला 3 दिन से लापता थी। उसका शव गांव से 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। जौरासी के रेंजर मोहन नाम का कहना है कि पहले आदमखोर घोषित किए जा चुके तेंदुए ने ही महिला को अपना शिकार बनाया होगा। किमबगढ़ तोक निवासी शांति देवी घर में अकेली रहती थी, 3 दिन से लापता थी। ग्रामीण उसकी खोज में लगे हुए थे। महिला के घर के आसपास तेंदुओं के पंजों के निशान भी देखे गए। एक दिन पहले ग्रामीण और उप वन क्षेत्राधिकारी हेमचंद्र आर्य के नेतृत्व में टीम ने महिला की फिर खोजबीन की। इस दौरान महिला के घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में शत विक्षत शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव ग्रामीणों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार और रेंजर से तेंदुए से निजात दिलाने की मांग की। वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है, साथ ही शिकारी को भी बुलाया गया है। भालू से संघर्ष के बाद घायल बुजुर्ग जंगल में ही रहे पूरी रात। जिले में जंगल में पशुओं के लिए घास लेने गए धार कुंवर पाटा गांव के एक बुजुर्ग को भालू ने बुरी तरीके से घायल कर दिया। जान बचाने के लिए बुजुर्ग भालू से भिड़ गया। भालू हमला करता रहा, बुजुर्ग ने भी हार नहीं मानी और दराती से भालू पर कई वार किए। इसके बाद भालू भाग गया, लेकिन घायल रात भर जंगल में ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि 60 साल के नेत्र सिंह दोपहर 1 बजे पशुओं के लिए घास लेने के लिए गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर गया था। वहाँ भालू ने हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। शाम तक जब वह जंगल से घर नहीं आया तो ग्रामीण रात भर बुजुर्ग की खोज में भटकते रहे। बुधवार सुबह वह गंभीर हालत में जंगल में मिला। मौके पर पहुंचे ग्रामीण बुजुर्ग को 108 एम्बुलेंस से PHC देवाल लाए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। भालू ने वृद्ध की जांघ पीठ और गर्दन पर गहरे जख्म किए हैं। घायल नेत्र सिंह ने बताया कि भालू से जान बचाने के लिए उसके और भालू के बीच काफी देर तक संघर्ष हुआ।